पंजाब से बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। हरभजन सिंह राघव चड्ढा जाएंगे राज्यसभा। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं। आम आदमी पार्टी से डॉक्टर संदीप पाठक पंजाब से राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं। पंजाब में 21 मार्च को राज्यसभा के लिए चुनाव होगा। 5 सांसदों का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म होगा। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। ओपी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी का सीधा रुख करेंगे, ओपी जानकारी चाहेंगे। हरभजन सिंह, राघव चड्ढा को लेकर ये कहा जा रहा है कि राज्यसभा वो जा सकते हैं। राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं, तो वहीं संदीप पाठक पंजाब से राज्यसभा के लिए नामित किए गए हैं। जानकारी अपडेट इसको लेकर देखिए स्वाति, अगर हम पंजाब में राज्यसभा सीटों के लिए बात करें तो 3 नामों का वो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है, जिसमें हरभजन सिंह और संदीप पाठक और राघव चड्ढा। राघव चड्ढा कल भी चंडीगढ़ में थे और आज भी वो चंडीगढ़ में ही बताए जा रहे हैं, तो उम्मीद की जा रही थी करीबन 2 बजे तक आज वो अपना नामांकन कर देंगे। उसके बाद जो है स्थिति कहीं ना कहीं जो है वो साफ हो जाएगी। पंजाब में अगर हम आम आदमी पार्टी के सांसदों की बात करें तो जो दिल्ली IIT से पास है डॉक्टर संदीप पाठक, उनका नाम कर दिया गया। दूसरा हरभजन सिंह और तीसरा राघव चड्ढा, इन तीनों के नामों की सहमति जो है अब तक कुछ खबरें आ रही, लेकिन 2 बजे तक नामांकन करते हैं या नहीं करते हैं उसके बाद ही पूरी तरह से कन्फर्म हो पाएगा। हालांकि पार्टी ने अभी तक इसको लेकर किसी भी तरह की ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दी है। जी बिल्कुल, लेकिन ओपी देखिए हरभजन सिंह का नाम पहले से ही सामने आ रहा था, इसको लेकर बातचीत चल रही थी, क्योंकि जिस तरह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई थी, स्पोर्ट्स पर खासा ध्यान देने की बात की गई थी पंजाब में, तो उसको लेकर हरभजन सिंह के नाम आगे आ रहा था। लेकिन अगर राघव चड्ढा की बात करें तो राघव चड्ढा का नाम आगे भेजने के पीछे क्या कारण और किस वजह से, क्योंकि इससे पहले जब हम राघव चड्ढा के लिए सुन रहे थे कि इनके नाम को भी लेकर भी इनका नाम भी सामने आ रहा था कि ये भी इनको भी जो पार्टी है वो राज्यसभा भेज सकती है, क्योंकि जो कामकाज चुनावों में इन्होंने किया और हर रैली में और तमाम जगहों पर हमने इन्होंने देखा प्रचार प्रसार करते हुए, इतनी बेहतरीन से इन्होंने कामकाज किया चुनावों के वक्त में, क्या यही वजह है कि इनका नाम आगे भेजा जा रहा है? देखिए शुरुआती अगर हम राघव चड्ढा की बात करें तो नो डाउट पंजाब के प्रभारी हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत जो मिली है वो कहीं ना कहीं राघव चड्ढा के प्रयासों उनकी सक्रियता का ये एक नतीजा है और वो पंजाब के प्रभारी भी है। ऐसे में अगर वो उनका कहीं ना कहीं अगर सीट खाली है तो उससे दावा बनता है, इसलिए उनको किया जा रहा है। अब दूसरा अगर हम हरभजन की तरफ से देखें तो हरभजन सिंह को राज्यसभा में भेजा जाएगा या नहीं इसको लेकर भी अभी तक कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि 2 बजे तक नामांकन पूरा होगा। लेकिन एक बात क्या है कि यदि हरभजन सिंह को राज्यसभा में भेजा जाता तो पंजाब की खेल यूनिवर्सिटी है उसके वो कुलपति नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो एक लाभ का पद हो जाएगा और लाभ का पद पर कोई भी विधायक सांसद वगैरह जो है वो नहीं बैठ सकता है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पंजाब की जो आम आदमी पार्टी सरकार है वो उनकी सेवाएं राज्यसभा में लेती है या पंजाब में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाते हैं। तो ये कुछ अलग अलग तथ्य हैं, लेकिन आज 2 बजे तक फाइनल हो जाएगा, क्योंकि आज नामांकन का जो है लास्ट दिन है और बाकी पार्टी की बात करें तो उनके पास जो है मेजोरिटी ही नहीं है जो एक जरूरी है, इसलिए अगर आज नामांकन हुए तो वो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से होंगे और वो भी बिना किसी चुनाव के सर्वसम्मति से यूनानिमसली जो है वो इलेक्ट आज हो जाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही थी। दरअसल 5 सांसदों का कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म होगा और अब ये जानकारी कि हरभजन सिंह और राघव चड्ढा राज्यसभा जाएंगे, राघव चड्ढा पंजाब से, तो वहीं आपसे डॉक्टर संदीप पाठक राज्यसभा के लिए नामित है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon, never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।